देखिए, 1 जुलाई 2024 से रोटरी के अध्यक्ष पद के लिए मेरे को दायित्व दिया गया है रोटरी ने। आप सभी जानते हैं रोटरी क्लब भिवाड़ी पिछले 28 सालों से पूरी सेवाएं भिवाड़ी को देता आ रहा है। तो सबसे पहले 1 जुलाई को हमारा पूरे पेन डिस्ट्रिक्ट में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। तो 1 तारीख को होटल रेजेंसी में ब्लड डोनेशन कैंप है हमारा। उसके बाद 11 बजे डॉक्टर्स और सीए डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स ने कोरोना काल में और भी हमारे जो गवर्नमेंट्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको बुला के हम सम्मानित कर रहे हैं जितने हमारी सेवाएं की हैं यहाँ पे भिवाड़ी में और आसपास में। तो इसके अलावा आपको पता है सबसे बड़ा जो मुद्दा आज की डेट में भिवाड़ी में है वो पर्यावरण को लेके है। तो रोटरी बहुत जागरूक है पर्यावरण को लेके। पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रोटरी ने किए हैं और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि प्लांटेशन जो भी है वन विभाग, जैसा आप लोगों का सुझाव मिला है, वन विभाग को साथ में लेकर यहाँ हमें कोई जगह ऐसी मिले जहाँ पर हम एक जंगल नुमा प्लांटेशन कर सकें, क्योंकि भिवाड़ी का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा प्लांटेशन की ज़रूरत है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और उसका पालन करें। उसके लिए पूरी टीम हमारी तैयार है, पूरी रूपरेखा हमने बना ली है, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। दूसरा रहता है हेल्थ के लिए। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, एक सुपरविजन के तौर पे हमारी टीम कुछ इस तरह का प्लान कर रही है अगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें हमारी टीम एक सुपरविजन का काम करे, जहाँ जहाँ जो नीड हो वो उनको टेक केयर करे, क्योंकि इक्विपमेंट हम लोग सब दे देते हैं, उनको कितना रखरखाव होता है कितना नहीं होता ये आप सभी को बताए। तो इसी तरह के एजुकेशन सेक्टर को लेके जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल्स है जहाँ रियली नीड है वहाँ पर हम किस तरह से सीएसआर एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ वहाँ बच्चों के लिए कुछ और प्रोग्राम कर सकते हैं, ये हमारा पूरा विजन रहेगा। 1 दिसंबर में हमारा विकलांग शिविर का एक प्रस्ताव है कि पैरों के लिए जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं या कुछ बंधु हैं जिनको पैर नहीं है वो पैरों का हमारा शिविर का एक प्लान रहेगा। इस तरह से पूरे साल भर की हमने पूरी रूपरेखा बनाई है। इसके अलावा मैं हमारे सारे पत्रकार भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह से रोटरी काम कर रही है आप भी हमारा सहयोग करें, और आपका भी पूरी भूमिका हमेशा समाज सेवा में रहती है और रोटरी भी उस तरह से काम करती है। तो आपको भी जहां लगता है कि जहां रोटरी क्लब की नीड है और जहां एक्चुअल प्रोजेक्ट है जहां हम सहयोग कर सकते हैं आप हमें सुझाव दें, निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम पूरा काम करेंगे। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।